देश भर में 10 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली रामलीलाओं ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। और बात जब रामलीलाओं की हो तो भला लवकुश रामलीला तो सर्वप्रथम पायदान पे आती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला में आयोजित होने वाली रामलीला लवकुश रामलीला की। हम आपको बता दें कि आज इस लवकुश रामलीला का भूमि पूजन समारोह था और इस भूमि पूजन में केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और एमसीडी मेयर आदेश गुप्ता जी ने शिरकत की। सर्वप्रथम डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आरती की, उसके पश्चात सभी ने एक साथ मिलकर गणेश वंदना की। हम आपको बता दें कि इस वर्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी रामलीला का अवलोकन ही नहीं करेंगे, बल्कि इस वर्ष लवकुश रामलीला में वो माँ सीता के पिता महाराज जनक जी की भी भूमिका निभाएंगे। देखिए, भगवान राम इस देश के हम सब के प्राण हैं, वो इस देश की आत्मा है, वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम हैं और इसलिए उनके प्रेरणादायी जीवन को हमेशा स्मरण रखने के लिए देश और दुनिया में हजारों लाखों स्थानों पर, गली में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में, कस्बे में और दूर दराज के देशों में भी भगवान राम की लीला होती है। दिल्ली की हमारी लवकुश रामलीला बहुत ही प्रतिष्ठित है और इस रामलीला को 100 से ज़्यादा देशों में सीधे प्रसारण के द्वारा दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों भारतीय भी देखते हैं। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बार इस रामलीला के मंचन में मुझे भी जनक के रोल में इस रामलीला के आयोजन में अपनी थोड़ी सी आहुति देने का मौका मिलेगा। और आज पूरे दिल्ली के अंदर पूरा राममय वातावरण है। लवकुश रामलीला कमेटी जो लगभग 25 वर्षों से रामलीला का मंचन यहाँ होता है, हमारे आदर्श पुरुष, आदर्श भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से हम लोग अपने जीवन में प्रत्येक काम करते हैं और मैं सभी दिल्ली वासियों को, इस लवकुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को, आयोजकों को और दिल्ली वासियों को, दर्शकों को रामलीला की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।